दोस्तों आप सभी 40 से 45 हज़ार मंथली कमाने वाले हो, सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इनके साथ मेरी क्या बात हुई थी, इनका चैनल कौन सा है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है इनके चैनल की। इन्होंने जो अर्निंग की है स्क्रीनशॉट मुझे भेजी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसा चैनल क्रिएट करने के बाद आप कितने पैसे छाप सकते हो मंथली बेसिस पर। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, जुलाई मंथ के अंदर इनकी अर्निंग देखा जाए, वर्क तो बहुत ही इजी है इस कैटेगरी में वर्क करने के लिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस से भी मोनेटाइज कर सकते हो अपने चैनल को, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस वजह से सबसे पहले जुलाई मंथ के अर्निंग इन्होंने $231 की थी, और उसके बाद अगस्त महीने में $551 की अर्निंग की थी। $551 की, 231 से डायरेक्ट $551, मतलब दोगुना डॉलर, ठीक है ना। अब उसके बाद सेप्टेम्बर के अंदर थोड़ी सी कम है, $461 की अर्निंग इन्होंने की है, मतलब 3 महीने की अर्निंग। अब अगर हम देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो कितनी होती ही कुल मिला के 500 500 यहां पर 1000 और 1100 1200 डॉलर की जो अर्निंग है इन्होंने 3 मंथ के अंदर हासिल की है, जो कि लगभग 1 लाख से ज्यादा ही होती है। 3 मंथ के अंदर 1 लाख रुपए, हद से ज्यादा बड़ा अमाउंट है दोस्तों, और वो भी एक सिंपल सा वर्क करके। मैंने अर्निंग दिखा दी है, अब इनके साथ मेरी क्या बात हुई थी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने चैनल को ना कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस से ही मोनेटाइज किया है, और 1,12,000 या 10,000 की जो अर्निंग है 3 मंथ के अंदर सिंपल वर्क करके की है दोस्तों। तो जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए इनसे मेरी क्या बात हुई थी, मतलब उन्होंने ही मुझसे कांटेक्ट किया था, उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई दिया, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने सब कुछ मतलब उनको जो जानना था मैंने बता दिया। अब उनकी तरफ से मुझे क्या पता चला कि सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पर उनके चैनल को विजिट किया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर जो वॉइस है वो कंप्यूटर जनरेटेड है। तो मैंने इनको पूछा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले रिप्लाई दिया कि मैं मेल हूँ। और उसके बाद मैंने पूछा उनको कि जो वॉइस आपकी वीडियोस में है वो कंप्यूटर जनरेटेड है या फिर आपकी है, तो उन्होंने कहा कि ये वॉइस कंप्यूटर जनरेटेड है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब उसके बाद है ना, मैंने उनसे कहा कि अच्छी बात है, काफ़ी फास्टली आपका चैनल जो है ग्रो हुआ है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने उनसे कहा, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने जो मुझसे जानकारी लेनी थी ले लिया, मतलब उनको भी मेरे बारे में कुछ जानना था चैनल के बारे में, उनको मैंने बता दिया। अब इनका चैनल कौन सा है, चैनल पर कैसे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ देख लेते दोस्तों। यहाँ पर मैंने लैपटॉप के अंदर सारा सब कुछ ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले देख लीजिए हम इनके चैनल पर आ चुके हैं। इनके चैनल का नाम है जीके दृष्टि, इनके चैनल का नाम है दोस्तों। अब ये चैनल मुश्किल से 11 मंथ भी, सॉरी 11 मंथ कह रहा हूं, 10 मंथ भी क्रिएट करके नहीं हुआ है, ठीक है, 9 महीने हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनके चैनल पर 9 महीने के अंदर ही 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपने इन्होंने अपने चैनल पर हासिल किए दोस्तों। और वर्क ना ना के बराबर है, या है भी वो बहुत इजी है। कैसे है सब कुछ बताने वाला हूँ। 90,000 सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। अब इन्होंने जो रिसेंटली मतलब पॉपुलर जो इनके वीडियो चले हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये 4 मंथ पहले वीडियो अपलोड है दोस्तों, इस पर 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा व्यूज इनको एक ही वीडियो पर मिल चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा वीडियो दोस्तों 2 मंथ पहले ही अपलोड किया है, 6,16,000 व्यूज इस वाले वीडियो पर भी आ चुके हैं। उसके बाद ये 5 मंथ पहले अपलोड किया है, 5 लाख के आसपास इस पर व्यूज आ चुके हैं। उसके बाद ये 4 मंथ पहले अपलोड किया है, 2 लाख व्यूज इस वाले वीडियो पर आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद ये 3 मंथ पहले अपलोड किया है, इस पर भी 2 लाख के आसपास व्यूज आ चुके हैं। 4 मंथ पहले अपलोड किया है, 1,60,000 व्यूज है। यहाँ पर 1 मंथ पहले अपलोड किया है, 1,40,41,000 व्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है अपने चैनल पर व्यूज हासिल कर रहे दोस्तों। आप इनके वीडियोस के अंदर सिंपली से होता क्या है, जैसे कि आपको देखने के बाद पता ही चल चुका होगा, अगर चला नहीं है या अच्छे तरीके से मैं बताऊं तो ये जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, कुछ उन ऑडियंस को भी क्यूरियसिटी जागे, ऐसे कोई इनके चैनल के वीडियोस के अंदर ये जीके क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे कि ये 2 मिलियन व्यूज आए हैं दोस्तों इस वाले वीडियो पर। इस वाले वीडियो के अंदर इन्होंने जो थंबनेल के ऊपर जो क्वेश्चंस लगाया है वो क्या है कि किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। अब हर कोई नॉर्मल भी इंसान इस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूर ही चाहेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक कोई एग्जाम देने वाले कैटेगरी को या स्टूडेंट को टारगेट तो क्वेश्चन नहीं करता, कोई भी किसी भी वीडियोज के क्वेश्चन इनके एग्जाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट को टारगेट नहीं करते हैं, नॉर्मली व्यूअर को भी टारगेट करते हैं। और इसी का जरिया ये है, इसी की वजह ये है कि इन्होंने 9 या 10 महीने के अंदर इनके चैनल पर 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दोस्तों देख सकते हो कि हासिल किए हैं। ये हद से ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों। अब ये देखो, इस पर 6 लाख व्यूज आए हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था।
है ना, अमेजिंग क्वेश्चंस दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस ये अपने वीडियोस के अंदर पूछते हैं। अब इनका चैनल कब क्रिएट हो चुका था लाइव प्रूफ के साथ ही दिखाना चाहूँ मैं आपको, तो देख सकते हो दोस्तों इनका जो चैनल है 17 मई 2022 को क्रिएट हुआ था, मई महीने के अंदर, 2000 मतलब इसी साल में मई महीने के अंदर क्रिएट हो चुका दोस्तों। और तब से लेके आज तक इन्होंने अपने चैनल पर 5,61,298 व्यूज जो है वो हासिल किए हैं। अब ये व्यूज वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी वीडियो की क्वांटिटी देखोगे तो बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, एक एक वीडियो के अंदर जो है, मतलब एक वीडियो कोई आया उनके चैनल पर तो वो दो दिन तीन दिन जो है गैप देते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो जाता है। कोई एक वीडियो आया, तीन दिन बाद दूसरा वीडियो जाएगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं कि दो तीन दिन छोड़ के अपने चैनल पर ये एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा जो अर्निंग मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ इसमें दिखा ही दी है वो कर रहे हैं। वो तब की थी, मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर की थी ना, ठीक है ना। तो अभी के टाइम में उनकी कितनी हुई थी वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता कि, मतलब उन्होंने और भी क्वेश्चंस पूछे थे लेकिन मुझे काम रहता था, उसकी वजह से मैंने उनको रिप्लाई तो नहीं दे सका हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा जो अर्निंग है दोस्तों, ये जीके क्वेश्चंस जो है उठा के अपने वीडियो में ऐड करके कर रहे हैं। अब रिसेंटली इनके अर्निंग जाना जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम चलते हैं सोशल ब्लेड के अंदर और रिसेंटली मतलब अभी के टाइम में इतनी इनकी जो अर्निंग कितनी हो रही है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उनके चैनल का नाम सीधे ही कॉपी करते हैं दोस्तों, ये तो मेरा ही वीडियो रहा, इसको कॉपी करते हैं इनके चैनल के नाम को और सीधे वहाँ पर जाके पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मिनिमम के अंदर जो भी अर्निंग आने वाली है दोस्तों, 100% या 1000% सही ही रहने वाली है। मिनिमम के अंदर जो रहती है उससे डबल भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ही मेरे दोनों भी चैनल के प्रूफ दिखाए हैं, जहां पर मिनिमम के अंदर दिखा रहा था उससे डबल ही मेरे चैनल की अर्निंग थी। तो जैसे कि फिलहाल के लिए इनकी जो अर्निंग है मंथली बेसिस पर $155, मतलब क्या हुआ कि इसके डबल, मतलब $300 की जो अर्निंग है मंथली बेसिस पर तीन दिन छोड़कर एक वीडियो अपलोड कर हासिल कर रहे हैं। अगर यही इन्होंने अपने चैनल पर डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया तो ये जो अर्निंग है वो $700-800 तक भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है फिर भी $300 की हो रही है। रेगुलर आ जाए तो यूट्यूब का वो फर्ज बनता है कि वो उस चैनल को और भी ज़्यादा प्रमोट करे। तो उसका नतीजा ये होगा कि इनकी जो अर्निंग रेगुलर ना रहते हुए भी $300 है, तो रेगुलर रहने के बाद $700-800-900 तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि ये ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हर एक इंसान के मन में आता है कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही आपने वीडियो में ले रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस चैनल का डेटा दिखा दिया है, प्लस में अर्निंग प्रूफ भी दिखा दी है। अब आपके मन में आता होगा कि दोस्तों कि ऐसे जो क्वेश्चंस है आपको कहां पर मिलेंगे, सीधे चले जाओ, आपको जाना है गूगल पर दोस्तों, और जाने के बाद यहां पर क्या सर्च करना है, इंटरेस्टिंग जीके, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग जीके इन हिंदी, इस नाम से सर्च करो दोस्तों। और करने के बाद आपके सामने इतने ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग जीके आएंगे, ये यहाँ पर देख सकते हो। ये तो एक ही वेबसाइट रही, इस तरीके से नीचे नीचे जाओ आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आती है वन बाय वन करके, उसमें से अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन से चुन लेने हैं और उसके बाद आपको वीडियो बनाना है। अब जैसे कि इनके चैनल को थोड़ा सा गौर किया जाए, वीडियो को देखा जाए, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद 5 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी मेहनत कम लगेगी, हर एक क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का टाइम, मतलब इन्होंने 8 मिनट की वीडियो बनाई है तो 8 मिनट के अंदर अगर मान लीजिए कि 15 या 20 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के बाद 5-5 सेकंड आप गैप देने वाले हो, तो आपको मेहनत भी कम लगने वाली है, तो है ना। तो ये सोचा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इजी बहुत ही वर्क है दोस्तों, बस करने वाला इंसान चाहिए। और वो भी करने के बाद इस तरीके की इन्होंने जो अर्निंग हासिल की है वो आप भी कर सकते हो दोस्तों। और प्लस में मेरा भी चैनल है एग्जाम जीके एकेडमी, जिस पर 59,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाना ही चाहूँ तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं जिनको पता है उनको दिखाना यहाँ पर थोड़ा सा फर्ज बनता है, ठीक है ना। एग्जाम जीके अकेडमी, ये देख लीजिए मैंने सर्च करके पहले ही रखा था, तो यहाँ पर ये देखो ये हमारा चैनल है दोस्तों। इस चैनल पर 59,000 सब्सक्राइबर फिलहाल के लिए अवेलेबल है। अब ये कोई ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करने वाले वीडियोस नहीं होते हैं, ये वीडियोस मेरे इस चैनल के एग्जाम के स्टूडेंट को टारगेट करते हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर ना थोड़ी सी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन ग्रोथ इस पर भी होती है, व्यूज इस पर भी आते हैं, अर्निंग भी इससे भी होती ही है। लेकिन आप अगर क्रिएट करना चाहते हो, जो मैंने अभी आपको चैनल दिखाया उस पर क्रिएट करते हो, तो आपको ब्रॉड ऑडियंस मिलेगी और जल्दी से जल्दी आपके चैनल पर, जैसे कि इन्होंने 9 मंथ के अंदर 90,000 सब्सक्राइब हासिल किए हैं, तो वो आप 6 महीने के अंदर भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, एग्जाम के स्टूडेंट को नहीं,
करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन रहेगी यही कि अर्निंग ज़्यादा करनी है, फास्टली ग्रो होना है, तो आपको नॉर्मल ऑडियंस को टारगेट करने वाले भी क्वेश्चंस करने वाले ही क्वेश्चंस आपके वीडियो में ऐड करने हैं ताकि आपका चैनल फास्टली ग्रो हो सके। तो मैंने सारी सब कुछ डिटेल आपको बता दिया दोस्तों। ऐसी वीडियोज क्रिएट करना अगर आपको नहीं आता है तो नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए, जरूर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आता है या नहीं भी आता है तो पिछली बार भी मैंने एक दो वीडियो बना के रखे हैं, वो भी आप जाके चैनल को विजिट करके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने एडिटर के अंदर जाके दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको टाइमर लेना है, क्वेश्चंस कहाँ से लेने हैं, कैसे उसको मतलब वीडियो के अंदर ऐड करना है, सारा सब कुछ वीडियो के मतलब चैनल के ऊपर वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए करके रखे हैं, उसके अंदर बता दिया दोस्तों। तो अभी मैं चाहता हूँ कि चैनल पर पहली बार आप सभी को आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना जाओगे तो ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग जो कंटेंट है वो आप जानने से रह जाओगे, और रहना जो आप सब चाहोगे वो मैं तो नहीं चाहता, इसलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक आपको जरूर ही करना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने स्पेशल और फ्रेश वीडियोज के।